तीसरे श्लोक में इसका स्वरूप समझा रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम तत्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भूविभावुका। निगम, निगम नाम वेदों का है। नितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेदः। जिसके द्वारा हमें उस परम तत्व का बोध प्राप्त हो उसका नाम निगम। वेद ही बतलाते हैं कि वो परम तत्व क्या है, नहीं तो तत्व के विषय में कहां से जानकारी मिलेगी। वेद भगवान ही तो बताएंगे, और वो वेद भगवान साक्षात कल्प वृक्ष के समान है, कल्पद्रुम के समान है। निगम कल्पतरो, कल्पतरु माने कल्प वृक्ष। कल्पतरु क्यों कहते हैं? कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। जिसके नीचे बैठकर जैसा संकल्प करो आपके संकल्प के अनुसार तत्काल फल प्रदान कर दे उसका नाम कल्पतरु। तो वेद भगवान कल्पतरु हैं क्योंकि वेदों में समस्त मनोरथों की सिद्धि के मंत्र हैं। ऐसा कोई मनोरथ नहीं जो वेद मंत्रों के द्वारा सिद्ध न किया जा सके। बस योजकस तत्र दुर्लभ। मंत्रों का ज्ञाता कोई मनीषी होना चाहिए, ये तो वेदों में सारे मंत्र विद्यमान है। इसलिए इन वेदों को कल्प वृक्ष कहा। जैसे कल्प वृक्ष से मनोरथ सिद्ध होते हैं ऐसे वेद मंत्र भी मनोरथों की पूर्ति करते हैं। और उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत, जो टपक के नीचे गिरा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। गलितम माने पतितम। जो फल बहुत परिपक्व हो जाता है वो टपक के गिर जाता है। तोड़ने वाला फल कच्चा हो सकता है, तो ये गलितम फलम है, अपने आप टपका है। किसी ने पूछा यदि बहुत पका फल टपक के गिरे तो फूट भी जाएगा, तो भागवत फूटा हुआ फल है क्या? श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं नहीं, ये फूटा फल नहीं है। क्यों नहीं फूटा भाई? बोले ये डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट गिरा है। ऊंची शाखा से सीधा धरती पर कोई फल गिरे तो फूट सकता है, पर डाली प्रति डाली के द्वारा सहारा लेकर के नीचे आवे तो नहीं फूटेगा। तो ये फल भागवत रूपी जो है सबसे पहले नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर लटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर अटका, फिर सुख शाखा से टपका तब परीक्षित के माध्यम से हम सबको धराधाम पर उपलब्ध हो गया। तो इसलिए शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम न तु उच्च निपातेन स्फुटितम। धम्म से नीचे गिरा होता तो फूटता, पर सनई सनई आया है इसलिए पूर्ण सुरक्षित है, रस से परिपूर्ण है। अच्छा महाराज, फल तो बढ़िया रसीला है परंतु खट्टा निकल पड़ा तब? अखंडित तो है, खंडित नहीं हुआ, साबुत है, परंतु खट्टा निकलेगा तो गला खराब कर देगा। ब्यास जी कहते हैं ये हमारी गारंटी है, बड़ा मधुर फल है। बोले महाराज आपका फल है तो आप अपने मुंह से खट्टा थोड़ी बताओगे। फल बेचने वाले कहते हैं मलाई वाले केले, आपने कभी सुना होगा आवाज देते हो तो मलाई के केले होते हैं क्या? केला तो केला ही है, पर केलों की तारीफ में वो कुछ भी बोल सकते हैं। एक सज्जन आवाज लगा रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, तो सुनने वाला प्रभावित हो गया। उसने खरबूजा खरीदा, अमनिया करके पाया तो बिल्कुल फीका, तो नाराज होता हुआ आया, क्यों रे दुनिया को उल्लू बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तो
तो चिल्लाने वाले ने, बेचने वाले ने कहा, मैं चिल्ला के बोल तो रहा हूं भैया, खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे। खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर डाल करके फिर खाओगे तब मीठे लगेंगे, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। तो ये तो बेचने वाले का चातुर्य है, वो कैसे अपने फलों को ठिकाने लगा दे। तो ब्यास जी, आपका फल है तो आप खट्टा थोड़ी बताओगे, ये फल मीठा है, इसका प्रमाण क्या है? ब्यास जी कहते हैं, जिस फल में तोता मुंह मार दे तो आंख मूंछ के जान लेना चाहिए मीठा ही होगा। पारखी होता है तोता, तो मेरे भागवत रूपी फल में तोते ने मुंह मारा है। किसने? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये सुखमुख विगलित फल है। परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। जो निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित थे, पर श्रीमद भागवत के दिव्य श्लोक सुन करके गृहीत चेता, एकदम चुंबक की तरह खिंचे चले आए। तो पारखी हैं, अरे ब्रह्मानंद से बड़ा कोई आनंद नहीं होता भाई, परंतु ब्रह्मानंद भी जिसके श्रवण से फीका पड़ गया। जब गोविंद की रूप माधुरी दो श्लोकों में सुनी, उनकी करुणा कृपा का स्वभाव जब सुना, तो स्वरूप और स्वभाव सुनते ही चुंबक की तरह सुखदेव जी खिंचे चले आए। हरेर गुणाक्षिप्त मति, ये आकर्षण भगवान की रूप माधुरी का।